तो गाइज आप लोग देख सकते हो इस चैनल पर मंथली 5.6K डॉलर से लेकर 90.1K डॉलर तक मंथली अर्निंग कर रहा है। और ये जो चैनल है, चैनल का नाम मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो चैनल का नाम स्पोर्ट्स एज क्रिकेट, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हो सब्सक्राइब, तो गाइज आप लोग देख सकते हो 3.58 मिलियन इस चैनल का सब्सक्राइबर। और थोड़ा नीचे जाके मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ, तो गाइज आप लोग देख सकते हो हर वीडियो पर कितना अर्निंग कर रहा है, हर वीडियो पर कितना व्यूज इंक्रीज कर रहा है और हर वीडियो पर कितना सब्सक्राइबर इंक्रीज कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज अगर आप लोग यूट्यूब पर IPL हाईलाइट विदाउट कॉपीराइट अपलोड करके मंथली अर्निंग करना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। गाइज आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और जो आज मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आया हूँ, इस कंटेंट पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम रियूज कंटेंट नहीं आएगा, गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोग 1 से 2 महीने में आप लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो करके मोनिटाइज भी करके एक अच्छा खासा अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि गाइज आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक क्यों देखना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं किस तरह से वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और कैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, कैसे एडिटिंग कर रहा हूं, ये सारा प्रोसेस आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग इस तरह का वीडियो क्रिएट नहीं कर पाओगे और आप लोगों के चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिस चैनल को मैंने आप लोगों को सोशल ब्लेड पर दिखाया, जिस चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड करके मंथली लाखों में अर्निंग कर रहा है, इस चैनल को मैं आप लोगों को यूट्यूब पर जाके भी दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो चैनल का नाम स्पोर्ट्स एज क्रिकेट, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इधर जो इस चैनल पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन। तो गाइस सुपर थैंक्स का ऑप्शन तब आता है जब आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होता है। तो गाइस आप लोगों के मन में अगर कोई भी ख्याल रहता है कि आप लोगों का चैनल आगे जाके मोनेटाइज नहीं होगा, तो गाइस आप लोग इधर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि आप लोगों का चैनल आगे जाके मोनेटाइज भी होगा। तो गाइस अभी बात रहता है कि इस चैनल पर किस तरह का वीडियो अपलोड कर रहा है, मैं आप लोगों को एक वीडियो इधर प्ले करके भी दिखा देता हूँ। आपको लगभग जीते हुए मुकाबले में हार का स्वाद चखाया, ये तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ इसकी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजीली आप लोग इस तरह का वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ आप लोगों की खुद की मोबाइल से। सो गाइस इस तरह का वीडियो आप लोग कैसे क्रिएट करोगे, इस तरह का फोटो आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरह का जो फोटो है, फोटो डाउनलोड करने के लिए ये वाला जो एप्लीकेशन है मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ, इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों को पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। और डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग ओपन कर लेना, आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस चलो हम लोग मान लेते हैं मैं RCB और कोलकाता की बारे में एक वीडियो क्रिएट करूंगा, तो मैं सिंपली RCB वर्सेस कोलकाता लिख के इधर सर्च कर लेता हूं। तो गाइस ऐसे सर्च कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अनलिमिटेड फोटो आप लोग देख सकते हो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इधर से किसी भी फोटो को आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो गाइस मैं एक फोटो आप लोगों को इधर डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो चलो मान लो ये फोटो मैं इधर डाउनलोड करूंगा, तो सिंपली इधर आप लोग देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन, आप लोग सिंपली इधर से फोटो को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग चले आना काइनमास्टर एप्लीकेशन पर, और बाकी का प्रोसेस मैं आप लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन पर जाने के बाद दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन पर आ गया। आप भी काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना, उसके बाद आप लोग यूट्यूब का रिश्यू सिलेक्ट कर लेना। रिश्यू सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों ने जिस भी फोटो को डाउनलोड किए हो उसको आप लोग सिंपली इधर इंपोर्ट कर लेना, जितने भी फोटो होगा, ठीक है, आप लोग ऐसे इसको इधर इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट कर लेने के बाद आप लोग सिंपली ऐसे बैक आ जाना, और बैक आने के बाद आप लोगों को अभी करना क्या है, ये जो फोटो है, फोटो का जो फ्रेम है अगर एकदम सेम नहीं है तो आप लोग इधर सिंपली पैन एंड जूम पर चले आना, इधर टैप कर लेना, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे जूम कर लेना। तो गाइस जूम कर लेने के बाद अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोग देख सकते हो इधर मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ, ये मिडिल पे जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर लेना पड़ेगा। और टैप कर लेने के बाद अभी आप लोगों को इधर एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर देना पड़ेगा, तो मैं इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट को इधर ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो है ऐड करने के लिए आप लोगों को इधर सिंपली टैप कर लेना, और ट्रांजेक्शन इफेक्ट जब आप लोग ऐड करोगे तो ये जो वीडियो है और भी अच्छा लगेगा देखने में, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा, ये भी मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। मतलब एक फ्रेम के बाद अचानक एक और फ्रेम, मतलब एक फोटो आ जा रहा है, ठीक है, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस जितने भी फोटो होगा या फिर आप लोग वीडियो भी ऐड कर सकते हो IPL का हाईलाइट का, लेकिन आप लोग सिर्फ 5 सेकंड तक की वीडियो आप लोग यूज करना, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो जितने भी इधर फोटो है सबके ऊपर आप लोग ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड करते करते जाना, इधर जितने भी फोटो है, ठीक है,
इधर बहुत सारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग किसी भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट को इधर ऐड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर तो आप लोगों ने ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड कर लिया, लेकिन आप लोगों को अभी करना क्या है? तो गाइज आप लोगों को मैं इधर दिखा देता हूँ। अभी आप लोग सिंपली लेयर के ऊपर टैप कर लेना, मीडिया के ऊपर। इधर आप लोग इमेज एसेट पर चला जाना, इधर आप लोग ब्लैक बैकग्राउंड एक ले लेना, और ब्लैक बैकग्राउंड लेके इसको आप लोग एकदम फिल कर लेना, और फिल करके ऊपर आप लोग ऐसे इधर एडजस्ट कर देना, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर देना, और ये जो लेयर है एकदम वीडियो की लास्ट तक कर देना, ऐसे एकदम लास्ट तक कर देना, और लेयर के ऊपर फिर से टैप कर लेना, इधर डुप्लीकेट कर लेना, और इसको आप लोग एक नीचे ऐसे लेके आ जाना, ऐसे लेके आ जाना। तो गाइस ये जो फोटो है, फोटो का ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोग सिंपली इस वाले फोटो के ऊपर टैप कर लेना, पैन एंड जूम पर चले जाना, और इसको आप लोग थोड़ा ऐसे जूम आउट कर लेना, ऐसे आप लोग इधर एडजस्ट कर लेना, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो गाइस ऐसे तो आप लोग सारी फोटो को ऐसे आप लोग एडजस्ट कर लोगे। अभी आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इधर सिंपली लेयर पे चले जाना, टेक्स्ट पे चले जाना, इधर जिसके साथ मैच हो रहा है, तो मैं इधर कलकत्ता और आरसीबी इधर वर्सेस केकेआर लिख के इधर ओके कर लिया। तो ओके कर लेने के बाद इसको मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, और इधर फॉन्ट आप लोग किसी भी फॉन्ट को चूज कर सकते हो, इधर ओके कर लेना, और इसका लेयर भी आप लोग एकदम वीडियो की लास्ट तक कर लेना, एकदम वीडियो की लास्ट तक कर लेना। तो लास्ट तक कर लेने के बाद इधर आप लोग जो फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आप लोग कलर ग्रेड भी कर सकते हो, इधर कलर पे जाके इधर कलर ग्रेड भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी आप लोग देखो, वीडियो पहले ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और जब ट्रांजेक्शन होकर जब एक फोटो और चेंज हो रहा है, देखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ऐसे तो वीडियो आप लोगों का इधर 90% रेडी हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आप लोगों को अभी करना क्या है, आप लोगों को मैं इधर दिखा देता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, अभी आप लोग रिकॉर्डिंग पे चले जाना, और रिकॉर्डिंग पे आने के बाद मेन काम है रिकॉर्डिंग पर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर आप लोग स्टार्ट पे चले जाना, और इधर जितने भी फोटो है, फोटो के हिसाब से आप लोगों को फ्रेम बाय फ्रेम आप लोगों को वॉइस ओवर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वॉइस ओवर करना नहीं आता है, तो गाइस आप लोग करोगे कैसे, आप लोग ट्रेंडिंग न्यूज को पकड़ लेना, उधर आप लोग न्यूज देख लेना अच्छे से, और एक व्हाइट पेज और पेन लेके नोट कर लेना, और नोट देख के ऐसे इधर आप लोग वॉइस ओवर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। स्टार्ट पे टैप कर लेना, केकेआर और आरसीबी और केकेआर के बीच एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त मैच हुआ था, लेकिन दो विकेट के वजह से केकेआर हार गया, ठीक है। ऐसे आप लोग वॉइस ओवर कर लेना एकदम फ्रेम बाय फ्रेम। तो चलो मान लो पहले का जो फोटो है, इतनी देर तक मैं बोल दिया, उसके बाद इसको एक इधर ट्रिम एंड स्पीड जाके स्पीड कर दिया, और दूसरी फ्रेम इधर है, इधर से स्टार्ट होगा, तो हम लोग इधर ऐड कर देंगे। तो गाइस अभी ऐसे आप लोग ऐड करते करते आप लोग पूरी वीडियो तक आप लोग वॉइस ओवर कर लेना, और वॉइस ओवर कर लेने के बाद देखो, एक फोटो है एक वॉइस ओवर है, तो ऑडियंस को देखने में और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी आप लोग एक काम करना, आप लोग YouTube से कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेना, और इधर आप लोग सिंपली ऐड कर लेना, और ऐड कर लेने के बाद आप लोगों का काम इधर खत्म हो चुका है। अभी आप लोग सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर चले जाना, एक अच्छा रेजुलेशन देखकर आप लोग वीडियो को यहाँ पर सेव कर लेना। तो गाइस वीडियो को ऐसे सेव कर लेने के बाद आप लोगों के चैनल पर अपलोड कर देना, 100% गारंटी देता हूं मैं, कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आगे जाके रियूज कंटेंट कुछ भी नहीं आएगा। सो गाइस आई होप आज का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो रोज अपलोड करता हूँ, वो भी बस आप लोगों के लिए। सो बाय बाय गाइज़।